मैं जिसको सिर्फ और सिर्फ जिस शख्स के बारे में हम लोग कहते हैं बादशाह खान, उसके फलसफे पे दो चार बातें करना चाहता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करना चाहता। बादशाह खान जिस खत्ते में पैदा हुआ, जिस वक्त पैदा हुआ, वो खत्ता पश्तूनों का था। पश्तून उस वक्त और जमाने के हालात ये थे कि पश्तून आपस में लड़ते थे या लड़ाई का हिस्सा होते थे जो गाय के इन्वेडर्स आते थे। उस वक्त ये आवाज उठाना कि अमन, पीस और इस मुल्क में, इस खुत्ते में वो लोग जो बंदूक उठाने के उठाते थे, जो हर मामूली सी बात पे लड़ाई लड़ते थे और सालों 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 तक लड़ते रहे, उसमें उसने ये अलम बिलम किया कि आप के लिए पीस, पीस एमंग देमसेल्व्स, कि आप आपस में भी पीस हो, पीस विद द रीजन, जो खित्ते के ममालिक है उनके साथ पीस हो। और ये फलसफा था और ये फलसफा आज तक ही उसका है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी, अगर हम पीस की बात करते हैं तो हम अफगानिस्तान के साथ भी पीस चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ भी पीस चाहते हैं, हम कश्मीर के साथ भी पीस चाहते हैं, चाइना के साथ भी पीस चाहते हैं, हम ईरान के साथ भी पीस चाहते हैं। ये फलसफा था हमारा, ये फलसफा था कि मुल्क के अंदर अगर हम रहेंगे तो हम पंजाबी का भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम सिंधी का भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम बलोच का भी रिस्पेक्ट करेंगे, हम महाजन, उसको हम महाजन नहीं कहते, पाकिस्तानी और सच्चे पाकिस्तानी कहते हैं, उसका भी रिस्पेक्ट करेंगे। और हम इस फलसफे को आगे लेंगे कि हम अपने लोगों के लिए, जो आवाम है उनके हकूक के लिए जद्दोजहद करेंगे। लेकिन वो जद्दोजहद भी बंदूक से नहीं होगी, वो जद्दोजहद अमन से होगी, वो तालीम से होगी, वो समझने से होगी, वो बात करने से होगी। इस बात से नहीं होगी कि हम आपस में लड़े या बंदूक उठा के लड़े। तो ये फलसफा था। इस फलसफे पे बहुत कुछ तहकीक है, बहुत कुछ मेरे पास है, मैं कई वाकयात बयान कर सकता हूँ। लेकिन इसके वक्त की कमी की वजह से और कुछ लोगों की काफी टाइम हो गया है, सुनते सुनते आपस में कुछ बातें भी हो गई। सब्र का होना चाहिए आपस में। मैं जब अमन की बात करता हूँ तो फिर आपको दूसरे को सुनना पड़ेगा, अपनी बात को समझाने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि इस मंच से देखो, यहाँ पर इस मंच में हम आए हुए, यहाँ पर अमन है, जब अमन है तो तरक्की है। जहां पर एक दूसरे की बात को सुनने का एक आपस में हौसला है तो तरक्की है। अगर ये बातें ना हो तो फिर कुछ इस तरह से जिस खत्ते में हम रह रहे हैं, लड़ाई है, लड़ाई है और लड़ाई है। इसके अलावा क्या है, कितने लोग हमारे मरे हैं, कितने लोग हमारे रोज कट रहे हैं, आप लोगों ने कुछ अंदाजा किया है वह? इसलिए कि हम पीस की तरफ तो आ ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ लड़ाई चाहते, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अमन न हो। अगर हम अमन के साथ रहे, हम आपस में अमन के साथ रहे, अपने लोगों को ये तरकीब दें कि अमन चाहिए, अमन चाहिए और अमन चाहिए। अगर अमन आएगा अपने मुल्क के अंदर अपोजिशन के साथ तो तरक्की होगी, अगर ये न हो तो याद रखे ये लड़ाई लड़ेंगे हम, लड़ेंगे लड़ेंगे और खड़ेंगे। तो चाहिए कि हम उस फलसफे को समझे जो बादशाह खान का फलसफा है, कि आपस में भी नहीं लड़ेंगे और जो साइड के लोग हैं या जो जिसको हम पड़ोसी कहते हैं उनके साथ भी नहीं लड़ेंगे, ताकि उस रीजन को, अपने लोगों को हम गुर्बत से निकाल सके, जहालत से निकाल सके और उनको तरक्की दे सके। वस्सलाम। ये हमारे बुजुर्ग बड़े कम्युनिटी के, पर्सनल कम्युनिटी के अभिप्रमान से, थैंक यू वेरी मच रेडी रमाना। मैं अपने आखिरी मुखर को बुलाऊंगा जो कि एमपी कनाडा के सदर है, ज़ाख़पल अखरने मुखर वाड़मा दागी नफस पता सो जमन सर उस है उंबर होते फरु गपशप पई ऐसी प्रोग्रामना अनगानी में शरूना में او خبرې اترې نه وای چې خپلې وینې تویې کړم د بل وینې تویولی شم
تقبل من ولعبم نوحيار بهم من بولشم ماخلا ارقبا تغيرت امتحانون مي زاغ ششم تقدان هم ما تولشم اما تزواني جوشكي تهيا استرقي كبتكري ما تزواني جوشكي تهيا استرقي كبتكري نشون لدل الاز ميدان مخلو عليكم داوانی نشل پرتے تکی نیڈی صدر شیر اکبر خان دیر تکڑا مرگرے دیر روچ اتجے پخپلا علاقہ کی پکی نڈا کی مختلف خارون دورین کئی آو خپلی حنی زلی ارو اخجاری ساتھی راوار او شیر اکبر خان شروع کم پا نامدہ خودے پر باچا خان
نو پی ای ٹیز شوی دی نو پا دا سی حستای بزا سا اوایا و شکر اوباسم چه پختونیم افغانیم او دا باچا خان پلار روانیم دوبر اخبر اخبر راون دیکم پدی شیر بانی زد اخبر زو منم زد هیچا نمنم زد اخبر زو منم زد هیچا نمنم تبا چاہن نمنی جو زد آم نمنم